रोमांच और रहस्य, परिवर्तन। मैथ्यू ने खिड़की से उस भूतग्रसित होटल की तरफ देखा। वर्षों से वहां कोई भी रहने नहीं आया था, जहां तक मैथ्यू जानता था। टूटी हुई खिड़कियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी अस्थि पंजर की आंखों के गड्ढे। तभी अचानक होटल के सामने के रास्ते पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ और वह इमारत के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन एक मिनट के बाद ही वो फिर से बाहर आ गया। मैथ्यू ने घबराकर कठिनाई से सांस ली। उसने उस व्यक्ति को बहुत ही गौर से देखा। उसके मुंह के कोनों से बाहर निकले हुए लंबे लंबे नुकीले दांतों को देखकर वो तो लगभग बेहोशी होने वाला था। उसने खुद को संभाला और एक बार फिर से देखा। उसको वो लंबे सफेद दांत साफ साफ दिख रहे थे। उसके चेहरे का रंग पीला था और उसके शरीर पर पिशाचों के पहनने वाला लबादा था। मैथ्यू ने तुरंत ही आगे की जांच करने का निर्णय लिया। उसने एक नुकीली लकड़ी की लाठी उठा ली और कुछ लहसुन के टुकड़े भी अपने जेब में रख लिया और फिर अपने दोस्त जॉर्ज को फोन किया। जॉर्ज, मुझे तुरंत ही भूतग्रसित घर के बाहर मिलो, मैंने अभी अभी एक पिशाच देखा है। मैथ्यू उस घर की तरफ जाने वाले गेट के अंदर चला गया और आगे के गलियारे पर चलने लगा। उसने अपने चारों तरफ देखा, वो पिशाच अब वहां नहीं था। उसने घर के चारों तरफ घूमकर भी देखा पर उसको कोई भी नहीं दिखा। वो मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा होकर एक छेद में से घर के अंदर झांकने लगा। अंदर भी कोई नहीं था। उसने अपने साहस को संकलित किया और मुख्य दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलकर खोल दिया और घर के अंदर चला गया। अंदर भी कोई नहीं था, वो पिशाच जा चुका था। अचानक मैथ्यू को लगा के उसके अपने दांत बड़े होने लगे थे। उसने सामने की दीवार पर लगे एक पुराने शीशे में खुद को देखा। उसके मुंह के कोनों से दो लंबे नुकीले दांत बाहर निकलने लगे थे। उसके शरीर पर पिशाचों के पहनने वाला काला लबादा भी आ गया था। जब मैथ्यू का दोस्त जॉर्ज उस भूतग्रसित घर के सामने पहुंचा, उसने एक पिशाच को चुपचाप उस घर से बाहर निकलकर अचानक गायब होते हुए देखा। बहुत बहुत शुक्रिया।